अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं एक तंदूर के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा तंदूर है, इधर से हमारे बिल्कुल मेरे घर के साथ ही है, बिल्कुल हमारे हम दीवार हैं। तो ये तंदूर इतना अच्छा, और डेली हम इधर से ही रोटियां बनवाते हैं, और हमारे पूरे मोहल्ले के लोग ही इधर से ही रोटियां बनवाते हैं। और ये इतनी प्यारी जगह पर बना हुआ है ना, तो ये है तो तंदूर पीछे, ठीक है। और उसके बाद सामने जो मेरे व्यू है इधर का, इतना प्यारा ना, वही आपको व्यू भी दिखा। आप देख सकते हैं ये अंकल खड़े लगा रहे हैं रोटियां। तो अंकल, ये आप रोटियां कब से लगा रहे हैं इधर तंदूर, कब से है आपका? डेढ़ दो साल हो गए हैं रोटियां बना रहे हैं हम। अच्छा, इधर रोटियां बनाते हैं गांव में, अपना मोहल्ले वाले की साल हम बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इधर बनाए हुए दो सालन है, एक ये दाल का सालन है, ठीक है, और दूसरा है जी गोभी का सालन। और इधर के आपसे सारे मोहल्ले वाले आपसे ही रोटियां लगवाती हैं? लगवाते हैं रोटियां, ले भी जाते हैं रोटियां। अच्छा, तो ये अंकल अभी भी किसी की रोटियां लगा रहे हैं, तो ये आप कितने की लगाते हैं रोटी? एक 30 रुपए की रोटी बनाते हैं। और मूल की? मूल की 7 रुपए की रोटी। तो ये देख सकते हैं अभी ये इन किसी और की लगा रहे हैं। ये इधर मेरा आटा भी पड़ा है, ये वाला जो हॉट वाटा है इसके अंदर, ये अभी इनके पास मेरा नंबर है, इसके बाद मेरी रोटियां लगेंगी। और उसके अलावा जो है, ये कितने बजे आप सुबह आ जाते हैं इधर शुरू करते हैं? अभी शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 9 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, काम करना, सफाई करनी, ये वो सारा काम करना पड़ता है। और उसके अलावा रात को फिर कितने बजे बंद करते हैं? 8-9 बजे तक ठहरते हैं, 9 बजे बंद कर जाते हैं। तो ये देखें जी, ये सुबह 9 बजे आते हैं, और आप देख सकते हैं इधर सफाई कितनी ज़्यादा रखी है। सफाई इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि और भी बहुत तंदूर होते हैं पर वो इतनी साफ़ नहीं होते। तो आप देख सकते हैं, हालांकि एक कच्ची जगह के ऊपर मौजूद है, पर फिर भी सफाई इतनी है कि इधर हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है, कोई भी ज़रा सी भी मिट्टी नहीं है इधर, सिवाय आटे की, वो क्योंकि रोटियां बनानी है तो आटा तो होगा ही इधर थोड़ा बहुत। ये देखें, ये आटा इनका अपने वाला पड़ा है, जो ये लोगों को बना के देते हैं, और इधर लोगों की बना रहे हैं। तो इसके अलावा अभी यहाँ से जो व्यू आता है ना इधर का, सबसे अच्छी वही चीज़ है। तो ये देखते हैं, कच्ची बिल्कुल ज़मीन है, साथ दरख्त है, सामने किसी ने अपनी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, और जानवर रखे हुए हैं जिनका ये प्लाट है उनने। तो आपको आगे चल के जानवर भी दिखाते हैं, और अभी जब अंकल रोटियां लगाना शुरू करेंगे तो तब आपको रोटियां भी दिखाते हैं कि कैसे लगाते हैं। अंजीर लगी हुई है, और अभी आपको दिखाते हैं, ये इधर मैं जामन बीज के गया था, ये वो उग रहे हैं, ये उग रहे हैं, ये कुछ यहाँ पे उग रहे हैं। और उसके अलावा ये जो हमने 14 अगस्त में ऊपर लगाया था पौधा, ठीक है, जामन का, वो भी उग रहा है। देखें, पहले इसके मुर्गियों ने खा लिया था, तो हमने साइड पर ईंटें लगा दी होंगी, अब ये उग रहे हैं, इसके ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत सी मुर्गियाँ मौजूद हैं, और आपको मोर भी दिखाते हैं। जो असील मुर्गे होते हैं, मशहूर तरीन मुर्गे, वो भी इधर मौजूद हैं, और ये अभी बच्चे हैं उनके, ठीक है, ये सारे इनके बच्चे फिर हैं, और अंदर हैं असली जो बड़े असील भी हैं। ये आपके सामने मोर हैं, ठीक है, ये मोरनी है, और जो कलर वाला ये मोर है, इसकी भी पूरी पूंछ निकलना शुरू हुई है रंग वाली। इसके अलावा ये भी बड़ी असील मुर्गी है, उसका ये भी असील मुर्गी, और वो एक पीछे असील है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। और ये हैं जी टर्की, जिसको आम जबान के अंदर पैरो मुर्गा भी कहा जाता है। ये आगे ये 2 फीमेल हैं, इसके पीछे जो हैं ये एक भाग, और उसका मेल है,
और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कैसी आवाज़ है इसकी। तो उसके अलावा अब आपको असील मुर्गी ये देखें, ये सामने इधर पिंजरे में चकोर भी हैं। तो कैसा लगा आपको ये गार्डन और ये सारा व्यू? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। और यार ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह 8-9 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे जाते हैं, दिन सारा इधर मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद भी हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत अच्छा इनका मिजाज है और ये बहुत ज़्यादा शरीफ लोग भी हैं। और ये सारा दिन धूप के इधर गर्मी के अंदर खड़े होते हैं, तंदूर के ऊपर आग के ऊपर खड़े होकर रोटियां पकाते हैं सारा दिन सिर्फ अपनी औलाद के लिए। और हर माँ बाप ऐसे ही मेहनत करते हैं इसलिए ताकि अपनी औलाद को वो मुश्किलें वो चीज़ें ना बर्दाश्त करनी पड़े जो वो बर्दाश्त करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के आगे फ्यूचर अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर अपना रिव्यू देना मत भूलिए। अगर आप इस तरीके के मज़ीद ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।